इंडिया न्यूज का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। एक तरफ साफ सफाई की बात की जाती है, तमाम तरीके से सफाई अभियान चलाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मंदिरों में सफाई अभियान चलाया गया था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समेत तमाम जो नेता हैं सफाई करते हुए दिखे थे। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के विकास भवन में है और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से साफ सफाई है यहाँ पे, क्या कार्यालय साफ है या यहाँ पे गंदगी है, ये रियलिटी चेक करने के लिए अभी हम यहाँ पे हैं। तमाम जो अधिकारियों के ऑफिस आप देख सकते हैं, जैसे जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला बचत अधिकारी समेत तमाम अधिकारी हैं और यहाँ पे इनकी सेटिंग है। और मैं आपको ऑफिसेस का हाल दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑफिसेस में गंदगी है। सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ और बता दें, अभी यहाँ पे वैकेंसीज भी आई हैं योगा टीचर्स के लिए, इन लोग आए हैं, वो इंटरव्यू चल रहा है। और आपको ये स्थिति देख के समझ में आएगा, ये जस्ट एक यहाँ पे भी कुछ लोग बैठते हैं और बदबू भी आती है अभी, जैसा इन्होंने बताया। और ये ऑफिस का सिचुएशन देखिए, ये ऑफिस के पीछे के साइड में पूरा का पान का पीक थूका हुआ है। ये देखिए रजनीगंधा खा के पैकेट्स फेंके गए हैं पान का पी के। दीवालों को दिखाइए और समझिए किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पे फैला हुआ है और किस तरीके से बिल्डिंग एकदम गंदी है। ये देखिए पूरा पानी कहीं छू रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब ये शौचालय यहाँ पे है, यहाँ पानी नहीं आता है शायद, जैसा बता रहे थे इन लोग। और ये देखिए ये ऑफिस है, अब देखना पड़ेगा कौन सा विभाग है भाई साहब। उपसंभाग कृषि प्रसार अधिकारी, उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विभाग। इतनी बदबू आ रही, कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ? सर रहते हैं इसीलिए समस्या बहुत बदबू आ रही है। जी सर बहुत बदबू आती है, उसी में रह रहे हैं जी। हाँ क्या करें, कहाँ जाएं, यही ऑफिस से इसी तरीके की मतलब झेल के बदबू झेल के। हाँ बदबू झेल के, खाते पीते बड़ा बदबू आता है, नहीं खा पाते हैं, बाहर जाते हैं खाते पीते। क्या नाम है अंकल जी आपका? संजय कुमार राय बरिश्ता है। ये बताइए कितनी बदबू है यहाँ पे? बदबू तो बहुत आती है, रहने योग्य नहीं है, रहने लायक नहीं है। पान मान भी थूके हैं लोग यहाँ के? पान लोग बाहरी खाते हैं, बगल वगल के अपना थूक देते हैं। अच्छा वही थूक देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन है जिस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और ये छत का देखिए हिसाब किताब, चूता भी है बारिश में जैसा इन लोग बता रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख के समझिए किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। तमाम अधिकारी यहाँ रहते हैं, तमाम जो लोग हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आम पब्लिक के लोग भी आते हैं, क्योंकि कृषि विभाग से संबंधित विभाग है तो आम पब्लिक भी आती है। लेकिन किस तरीके से गंदगी फैली हुई है ये देखने वाली बात है। और सोचिए एक तरफ से सफाई की बात की जाती है, वही सरकारी कार्यालयों की देखिए हालत क्या बद से बदतर है। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी। सर एक तरफ साफ सफाई की बात की जा रही है, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, हर तरफ सफाई की जा रही है, वही आपके कार्यालय के ठीक नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पान खा के लोग पीक थूके हुए हैं, बाथरूम से बदबू आ रही है, जो लोग रह रहे हैं उनका रहना दूभर है। क्या कहेंगे, किस तरीके का आपको पता था ये चीजें या फिर इसके पीछे? अभी इस बारे में मुझे ये कहना है कि अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने इसका भ्रमण किया था और साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए गए थे। मुझे ये समझ में आ रहा है, लगता है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो गंदगी करके चले जाते होंगे, क्योंकि जो कर्मचारी वहाँ बैठता है वो कभी गंदगी नहीं करेगा क्योंकि उसको वहाँ बैठना है। यदि इसके बावजूद भी वहाँ गंदगी पाई जा रही है उसको जाएगा, उसकी साफ़ सफाई कराई जाएगी। और अगर कहीं पाइप टूटा हुआ है, बेसिन हुआ ख़राब हुआ है तो उसको दोबारा मरम्मत करा दिया जाएगा। सर छत ये जो है जो ढलाई की गई है वो भी जो है रिश्ता है बरसात में और उसके लिए मांग की गई धनराशि की मरम्मत के लिए, उसे धनराशि प्राप्त होते काम करा दिया जाएगा।